हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी दो प्याजा की सब्जी, जो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम भिंडी ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली है और अब इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हम निकाल देंगे। और ऐसे टुकड़ों में सारी भिंडी को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी भिंडी को मैंने ऐसे टुकड़ों में कट कर ली है। और यहाँ एक प्याज को मैंने ऐसे स्लाइस में कट कर ली है। और अब हम ये भिंडी और ये प्याज को हम थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पैन में हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। भिंडी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए, यहाँ हमारी भिंडी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा ऑयल बचा है, तो हम आगे की प्रोसेस इसमें कर लेते हैं। तो अब हम प्याज को भी ऐसे फ्राई कर लेते हैं। प्याज को भी हम लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। भिंडी को हमने 5 मिनट तक फ्राई किया है और प्याज हमारी 2-3 मिनट में फ्राई हो जाएगी। तो ये देखिए, प्याज भी हमारी लाइक गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, यानी कि हम प्याज भी पक गए हैं। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने पैन में फिर से थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच राई, एक छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हींग, बारीक कटी हुई प्याज, और स्वाद अनुसार नमक। अब प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। साथ में हम ये लहसुन का पेस्ट है वो भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो प्याज हमारी बिल्कुल पक चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटर को 1-2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। तो ये देखिए, टमाटर भी हमारा पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई करी हुई भिंडी और प्याज।
और एक टमाटर मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में कट किया था वो भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसे 5 मिनट तक ढक्कन लगाकर पकाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गई है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो ऐड कीजिए। और ये है कसूरी मेथी। और ये है टोमेटो सॉस। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये भिंडी दो प्याजा बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम भिंडी दो प्याजा को सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।